हॉलीवुड सुपरस्टार और दिग्गज बॉक्सर माइक टाइसन अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। माइक टाइसन विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर से हिंदी सिनेमा में दस्तक देने वाले हैं। वहीं इस फिल्म को लेकर माइक टाइसन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसे देखने के बाद लाइगर्स के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में सभी का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि माइक टाइसन ने अपनी पहली हिंदी फिल्म लाइगर की डबिंग को पूरा कर लिया है। दरअसल इस बात की जानकारी करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर माइक टाइसन का एक वीडियो शेयर करके दिया। इस वीडियो में दिग्गज चैंपियन ने फिल्म निर्माता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मुझे इस फिल्म में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो को धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया और कैप्शन में लिखा गया कि अंतिम रिंग बज चुकी है, लेजेंड माइक टाइसन ने लाइगर के लिए अपनी डबिंग को पूरा कर लिया है। बता दें कि अर्जुन रेड्डी फेम विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में फिल्म लाइगर से बॉलीवुड में शानदार डेब्यू करने को तैयार हैं। वहीं इस फिल्म में विजय देवरकोंडा के अलावा अनन्या पांडे, किकबॉक्सिंग चैंपियन माइक टाइसन, रम्या कृष्णन, रौनित रॉय, विशु रेड्डी जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। पहले इस फिल्म को 25 अगस्त को पूरे इंडिया में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी और लोगों की जिंदगी को देखते हुए इस फिल्म के रिलीज डेट को टाल दिया गया। वहीं अब ये फिल्म 9 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। बात करें लाइगर की, तो लाइगर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ कन्नड़ भाषा में भी पूरे भारत में रिलीज किया जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और देश दुनिया एंटरटेनमेंट की ऐसे खबरों के लिए स्कूप बीट्स को फॉलो करते रहें।